साधु मार्क लिखित सुसमाचार पाठ अध्याय दस पद संख्या पैंतीस पैंचाश पर्यंत जेबेदी पुत्र जाकब और जहन तामुखने आसी कहले हे गुरु आमर इच्छा जे आमे जहा मागू आपण आमपाई ताे जीशु से पचारे मु तुम मानाई कौन करी बोली तुम्हें माने इच्छा करुछ से माने कहिले आपण महिमा प्राप्त हेले आम मध्यरु जन को आपणों डाहाण पार्श्वरे आउ जन को बाम पार्श्वरे बसिबा को दियंतु। जीशु से कहिले तुम्हें माने कौन मागुछ ताहा जानो नाही मु पान करिबा को थिबा पान पात्र तुम्हें माने पान करी पारिबो कि अथवा मु दीक्षित हेबाकु थिबा दीक्षा स्नान रे तुम्हें माने दीक्षित होई पारिबो कि से माने उत्तर देले हाँ आमे पारिबु। तहु जीशु से मानंकु कहिले अवश्य मु पान करिबाकु थिबा पान पात्र तुम्हें पान करिबो ओ मु दीक्षित हेबाकु थिबा दीक्षा स्नान रे तुम्हें दीक्षित हेबो किंतु मोर डाहाण किंबा बाम पार्श्वरे बसिबा को देवा अधिकार मोर नाही बरम जेउ मानंक निमन्ते ताहा प्रस्तुत होईछि ताहा सेमानंकर। जेते बेले अन्य दस जन एहा सुनिले सेमाने जाकब व जहनंक प्रति प्रधान्वित हेले। जीशु सेमानंकु डाकी कहिले तुमे माने जानिछ विजातीयंक मध्यरे शासक माने प्रजांक उपरे प्रभुत्व करती ओ सेमानंकर मुख्य व्यक्ति माने सेमानंक उपरे कर्तृत्व करती किंतु तुम मानंक मध्यरे सेपरि न होउ तुम मानंक मध्यरे जे श्रेष्ठ हेबाकु चाहे से तुम मानंकर सेवक होउ एवं तुम मानंक मध्यरु जे प्रथम हेबाकु चाहे से तुम मानंकर दास हेउ कारण मनुष्य पुत्र सेवा पाइबाकु नुहे बरम सेवा करिबाकु एवं अनेकंक मुक्तिर मूल्य रूपे निजर जीवन देबाकु आसी छंती।